एक किलो आम की कीमत 2 से 3 लाख रुपए। जी हाँ, ये सच है। और आप भी इस आम की खेती कर कमा सकते हैं करोड़ों रुपए। वैसे भारत में भी कई किस्म के आम होते हैं जिसकी दुनिया दीवानी है, तभी तो आम भारत का राष्ट्रीय फल कहलाता है। लेकिन आजकल वाराणसी में एक विदेशी किस्म के आम मियांजी की खूब चर्चा हो रही है। जापान के मियांजी शहर के इस आम की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा होने का दावा किया जा रहा है। ये भारत के कोने कोने में फैल जाए, इसी मकसद से बनारस के प्रगतिशील किसान सौरभ रघुवंशी ने इसे अपने यहाँ मंगवाया है। मैं भी इस आम के नाम के विषय में बहुत सुना था और ये मुझे जानकारी हुई थी कि जापान में एक प्रदेश है मियाजाकी, वहाँ एक आम की वैरायटी है जो इसका नाम भी मियाजाकी है, वो दुनिया का सबसे महंगा आम है। फिर मैंने इसको खोजना शुरू किया कि कैसे ये हमारे पास आए, कैसे हमको ये मिल जाए। मैं काफ़ी लोगों से मिला और इसमें बातचीत किया, प्रयास किया। एक हमारे मित्र थे, उनकी एक कंपनी है जो आयात निर्यात का काम करते हैं पुणे के। मैं फिर उनसे कहा तो कहने भाई साहब जापान हमारा आना जाना होता है। कौन सी कंपनी थी? और उसको मैं फिर लेते आऊँगा। तो लगभग 2 साल पहले मैं उनसे बोला तो वो 2 पौधा हमको वहाँ से ले आ करके दिए थे और फिर उसको मैं अपने यहाँ रोपण किया और उसमें इस बार फल आया है और फल काफ़ी अच्छा है और एकदम बिल्कुल सुर्ख लाल कलर का है। आगे किस तरीके से इसको मार्केट में लाया जाएगा और आपके द्वारा जिस तरीके से बाकी किसानों के लिए भी ये बाहर की चीज़ें यहाँ ला के उसको उत्पादन करने से क्या मदद मिलता है? अभी तो ये तो एक चीज़ है, बाकी कई चीज़ मैं ला करके बाहर से कई प्रकार का पौधा भी रखा हूँ। इस बार मैं सबका रोपण करूँगा और अपने यहाँ पहले फील्ड पे मैं देखूँगा कि नहीं हमारे फील्ड पे इसकी फलत कैसी आ रही है और उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं खेती में। उसके बाद 1-2 साल के बाद मैं किसानों से कहूँगा कि नहीं फिर इसको आप लगाएं। मियाँ जाकी तो जैसे आम हम लोग यहाँ पे लगा करके खेती करते हैं उसी प्रकार का एक पौधा है, इसको आप लगा सकते हैं, ये यहाँ भी अच्छा हो रहा है और इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। चूँकि अब पौधा कितना बड़ा होगा, कितना हमको फल दे देगा, अभी इसकी बहुत जानकारी तो मुझे नहीं है, फिर भी ये लाभकारी है। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अधिक होता है, 2 से 3 लाख रुपए तक रेट। मुझे भी जहाँ तक जानकारी है मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और गूगल पे भी सर्च करने पे ये मालूम होता है कि नहीं 2 से 2.5 लाख रुपए किलो इसका आम बिकता है। क्या इसका पेड़ बहुत ही बड़ा होता है बाकी आम के पेड़ के जैसा कि थोड़ा? नहीं, जैसा अभी तक तो देखने पे लग रहा है तो जैसे मीडियम प्रजाति जो हमारे यहाँ की आम्रपाली है, मल्लिका है, उसी तरह का इसका पौधा होगा। इसकी निगरानी किस तरीके से, चूँकि महंगा है तो उसको बचाना है, किस तरीके से प्रिकॉशंस दिया जा रहा है, बचाव किस तरीके से आप कर रहे हैं? अब मेरा जो भी फार्म है वो पूरे बाउंड्री वाल से घिरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी मैंने जहाँ इसको लगाया है वहाँ भी एक बाउंड्री वाल बनाया है। इसके निगरानी के लिए एक कैमरा भी लगा हुआ है इसके चारों तरफ और 2-3 आदमी भी यहाँ परमानेंट रहते हैं जो कि देख रेख में लगे रहते हैं। बात अगर करें फसल के बोने से लेकर अब तक तैयार होने तक, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इसको और लोगों के लिए ताकि ये प्रॉफिटेबल रह सके? नहीं, थोड़ा सा जो यहाँ की देसी प्रजातियाँ हैं उनसे देख रेख थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये विदेश की वैरायटी है और यहाँ सर्वाइव कराने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा अलग से। जैसे क्या क्या आपने चेंजेज किए इसमें? जैसे मैंने लगाते समय भी इसका प्रकाशन जो यहाँ का आम लगता है हम लोग लाते हैं उसी तरह लगा देते हैं, लेकिन इसके लिए हमने काफ़ी मात्रा में कंपोस्ट और उसमें कई प्रकार की ऑर्गेनिक दवाइयाँ मिला करके किया। लगाने के बाद फिर मैं इसको पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके से इसकी उपज करना चाहता हूँ। वाराणसी जिला उद्यान के हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर ज्योति कुमार सिंह ने बताया कि जापान के एक शहर का नाम मियाजाकी है जहाँ इस किस्म के आम की खेती होती है, उसी शहर के नाम से इस आम का नाम मियाजाकी रखा गया है। जी देखिए, मियाजाकी जो आम है उसको अगर हम नाम से अगर उसको जाने तो जापान में एक शहर है मियाजाकी, वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हो रहा है और वहीं पे इसकी ऑक्शन भी होती है मंडी में, तो वहाँ से इसको नाम मिला। जहाँ तक इसके उत्पादन की प्रक्रिया है तो वो सामान्य आम जैसे हमारे यहाँ होते हैं उसी तरीके से उसका उत्पादन या रोपण किया जा सकता है, लेकिन जो मियाजाकी पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हुआ वो उसकी उत्पादन की प्रक्रिया से हुआ,
कि किस तरीके से उसका उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है, एक एक आम की देखभाल की जाती है, एक एक आम पे पूरा रंग, जो लाल रंग जिसके लिए वो बहुत जाना जाता है, उसको जो है पूरे फल के ऊपर जब तक वो रंग नहीं आता तब तक उसको तोड़ाई नहीं करते। उसकी साइज़ 350 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उसमें शुगर अन्य आम के ज़्यादा 15% तक अधिक पाई जाती है, और इसका जो गूदा होता है वो पीले रंग का होता है। तो ये सब तमाम जो प्रक्रियात्मक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उसका उत्पादन किया जाता है, जिससे कि उस तरीके का क्वालिटी प्रोडक्ट आए, और क्वालिटी चेक होने के बाद ही वो ऑक्शन के लिए जाता है। तो अगर एक पेड़ में 100 आम के उत्पादन हो रहा है तो उसमें से बहुत कम है ऐसे पौधे होते हैं जो उस क्वालिटी चेक को पास करते हैं, और तब जाके वो ऑक्शन में जाते हैं, और वहाँ फिर उनकी पैकिंग होती है, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाता है, उनके रंग का ध्यान दिया जाता है, और हर चीज़ की जाँच होती है। ऐसा नहीं कि उसका शुगर लेवल भी चेक होता है, तब जाता है वो ऑक्शन में, तब उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है। दूसरी बात आपने कही कि क्या वाराणसी में, बबियाओं में, चोलापुर में एक शैलेंद्र सिंह किसान है, उन्होंने अपने यहाँ लगा रखा, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये उष्ण कटबंधीय क्षेत्र में होता है, खूब सूरज की अच्छी खासी धूप चाहिए, गर्मी चाहिए, हमारे यहाँ खूब पड़ती है। जितनी अच्छी धूप पड़ेगी, जितना अच्छा पूरे फल के ऊपर धूप आएगी, उतना बढ़िया उसमें लाल रंग होगा, तो ये क्यों नहीं उत्पादन हो सकता। लेकिन उत्पादन के साथ साथ उसकी गुणवत्ता युक्त उत्पादन करना, जो कि मियाजाकी जैसे शहर में जाके उस कंपटीशन में जाना, क्योंकि उसमें शर्तें बड़ी तगड़ी हो जाती हैं, उनका समय एकदम निर्धारित है ऑक्शन का, उसी दिन में ऑक्शन होगा, चाहे आपकी फसल तैयार हो चाहे ना हो, तो उस तारीख तक आपकी फसल तैयार हो जाए, उसका रंग बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाए, उसमें कोई रोग कारक ना हो, एकदम साफ, एक स्क्रैच तक नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, और उसका जो TSS है वो अच्छा हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये निर्धारित करती हैं कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। और हमारे यहाँ बिल्कुल हो सकता है उत्पादन की सारी तकनीक की जाए, वहाँ तो पॉली हाउस में करते हैं इसको, तो पॉली हाउस में करने के साथ साथ विभिन्न तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, जो मॉडर्न तकनीक है, कितना टेम्परेचर रही है, कितना लाइट चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, वो पूरे समय तक जब से उसमें बौर आती है और पहला फल लगता है और जब तक उसे तोड़ा नहीं जाता, उसको पूरी गहन निरीक्षण में उसको रखते हैं, और सघनता के साथ एक एक आम की सुरक्षा की जाती है, और उसका एक एक आम पर ध्यान दिया जाता है, तो ये इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। सर रेट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो 2 से 2.5 लाख रुपये, जैसा कि मियाजाकी का रेट प्राइस लिस्ट। देखिए, क्योंकि वो उस ऑक्शन में मैं कभी शामिल नहीं हुआ, और रेट के बारे में जो बहुत जानी हो तो सुनी सुनाई आपसे भी सुन रहा हूँ, लेकिन प्रक्रिया जो है वो मुझे मालूम है, हो सकता है बिल्कुल 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जो भी उनका मार्केट होगा, वहाँ तो मेरे ख्याल से डॉलर में या येन में होता होगा, जापानी भाषा में जो भी वो लोग करते होंगे। सर तो, मेडिसिनल गुड़ों की बात करें तो इसको कहा जा रहा है कि ये शुगर फ्री है और तमाम तरह के जो बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी, जो इम्यूनिटी पावर बूस्टअप करता है। जी देखिए, आम इट्सेल्फ अपने आप में जहाँ भी होगा उसमें सब में फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जितने भी पीले फल हमारे यहाँ खाए जाते हैं, खाइए तो उससे आपका जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका जो है मस्तिष्क अच्छा रहेगा, और आपकी आँखें ठीक रहेंगी। तो ये सभी फलों में पाया जाता है, लेकिन चूंकि इसमें जैसे आपने कहा कि उसका TSS परसेंटेज थोड़ा वो लोग कंट्रोल रखते हैं, तो इसलिए कम मीठा होगा। और ये जान लें, फ्रूट शुगर कभी भी उतनी हानिकारक नहीं होती जितनी डायरेक्ट शुगर होती है, क्योंकि ये फ्रक्टोज के रूप में पाई जाती है, और जो शुगर होती है वो ग्लूकोज होती है, तो डायरेक्ट हमारे अंदर बॉडी में शुगर बढ़ाती है, और फ्रक्टोज को टाइम लगता है धीरे धीरे हमारे बॉडी में शुगर बढ़ाने की, इसलिए लोग इसको शुगर फ्री कह देते हैं। लेकिन जहाँ तक एंटीऑक्सीडेंट का सवाल है, तो हमारे जो लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, मल्लिका है, आम्रपाली है, जो हमारी स्थानीय प्रजातियाँ हैं, सिंदुरवा के नाम से आप जानते हैं, गाजीपुर मिठुआ है, ये सब प्रजातियाँ हमारी किसी मामले में कम नहीं है, बहुत अच्छी हैं। बस इनको अच्छे ढंग से तैयार करना, इनको रोग मुक्त तैयार करना, ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करना, इनकी जो साफ सफाई अच्छे से मेंटेन करना, बाग बगीचों का ध्यान रखना, ये तमाम जो पैरामीटर्स बनाए जाते हैं, इनका अगर हम पालन करेंगे तो हम इससे टक्कर का, इससे बढ़िया आम पैदा कर सकते हैं। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।